हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो है संडे के दिन की, मतलब संडे के दिन नहीं, रात की। रात में हम लोग गए थे बाहर खाना खाने, और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद में आ गए थे यहाँ पर सिद्धि के घर। उसने सीरा बनाया था तो लगा चलो अच्छा खा के आते हैं उसके घर से। फिर सीधे उसके घर आए थे, बस वहाँ से थोड़ा सीरा खाए और फिर अपने घर पर आ गए थे। तो सूजी का सीरा बनाया था उसने, बहुत ही अच्छा बना था, और ड्राई फ्रूट्स और जो भी डाल के बनाया था, इतना डिटेल में तो नहीं पता है, बट कभी रेसिपी पूछ के ना शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी मैं जब बनाऊंगी तो। और काफ़ी अच्छा बना था। बस वहाँ से सीरा खाए, और सीरा मतलब हलवा होता है, जो मतलब हम लोग हलवा बोलते हैं ना, वही सूजी का हलवा एक तरह से। और बस उसके बाद घर पे आने के बाद, ये नेक्स्ट डे मतलब दोपहर के वीडियो है, आफ्टरनून की वीडियो है। यहाँ पे मैं दोपहर के लिए सब्जी बना रही थी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सब काट ली थी। टमाटर नहीं, सॉरी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, आलू, थोड़ा सा तेल में जीरा का तड़का डालने के बाद ये सारी चीज़ें डाल के इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर जो होता है ना वो डाल दूंगी। और ग्रीन मिर्ची का तड़का आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे सूखी मतलब मिर्च डाल दी हूँ पाउडर, बस वो हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़े थोड़े फ्रूट्स बचे थे ये सारे, तो मुझे लगा चलो सब काट के एक फ्रूट्स चाट बना देती हूँ, इनको भी दे देती हूँ, अपने भी ले लेती हूँ। तो सब्जी एक साइड बना दी है, अभी मतलब ये खाएंगे। रोटी बनाऊंगी लेट से मैं थोड़ा, क्योंकि अभी मतलब खाने का टाइम नहीं हो रहा है, और ये फ्रूट्स खा लेंगे ना तो फिर उतना तेज भूख नहीं लगेगा अभी। यहाँ पे सारे पीसेस मैंने कट कर दिए हैं, इसमें थोड़ा सा मैं हींग सीड डालूंगी, थोड़ा सा नमक और काला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला बस। तो ये बन जाएगा मेरा फ्रूट्स चाट, और बस ये बैठ के खाएंगे। और उसके बाद आज ना मुझे बहुत सारे ऊलन कपड़े जो होते हैं ना वो रखने हैं, तो मुझे लगा चलो रखती भी हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं जैकेट वगैरह जो हैवी जैकेट होते हैं ना वो रख दिया था, लेकिन इतना विंटर मतलब था कि थोड़ा बहुत जो हल्का हल्का स्वेटर होता है वो पहनने लायक था, तो मुझे लगा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और पैकिंग भी कर देती हूँ, मतलब पूरा जो उलन कपड़े हैं ना, क्योंकि अच्छा खासा समर आ गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। बस एक दो हल्के जो जैकेट होंगे वो बाहर निकालूंगी, जैसे मैंने पिछली बार एक दो निकाला था, वैसे इस बार भी एक दो निकालूंगी, लेकिन जगह जगह से पहले पूरी चीज़ इकट्ठा कर लेती हूँ, जितने भी स्वेटर हैं मेरे, इनके सब कुछ। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ वो सारी मतलब ये सारे स्वेटर डिटेल में। मुझे एक दो पहले मतलब दो तीन महीने पहले मुझे एक दो कमेंट आए थे कि मैं अपना विंटर वेयर पूरा शेयर करूं, तो मैं उस टाइम तो नहीं बना पाई थी कोई वीडियो। मुझे लगा जब मैं रखने लगूंगी ना तब मैं बना दूंगी, क्योंकि उसी टाइम सारा स्वेटर एक जगह इकट्ठा हुआ रहेगा। और उस टाइम मैं बहुत सोची थी कि मैं बनाऊंगी, बट नहीं बना पाई थी। तो ये मेरा ये एक येलो कलर का कार्डिगन था, और उसके बाद ये जो स्वेटर मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैंने हाथ से बनाया था, वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हूँ, मतलब एक साल पहले पिछले विंटर में मैंने बनाया था, ये खुद से बुना था। तो एक ये वाली हो गई, अब मैं सारा फोल्ड कर करके ना एक जगह रखती हूँ सारा। पहले मैंने तो बहुत जगह से इकट्ठा कर लिया, लेकिन कुछ कुछ अभी एक दो जगह ना छूटा होगा, अच्छे से अभी मैं चेक करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं पैक करूँगी, नहीं तो एक दो ऐसे छूटा रह जाता, फिर दूसरे सूट में उसमें जाएगा, फिर ओपन करूँगी तो मिलेगा नहीं अगले विंटर में। तो बस यहाँ पे एक वो स्वेटर था, और यहाँ पे कुछ कमेंट आया था कि मैं कहाँ से लेती हूँ मतलब यहाँ पर स्वेटर वगैरह, तो मैं एक शॉप से, ऐसा कुछ नहीं है कि एक शॉप से लूँ, मतलब जहाँ से मुझे घूमते फिरते जहाँ से मुझे पसंद आता है, जहाँ मुझे रिजनेबल लगता है वहाँ से ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी स्टोर से लेती हूँ। लेकिन फिर भी जो जो स्टोर से मैं लेती हूँ उन सबका नाम मैं बता देती हूँ, जो यहाँ से देख रहे होंगे उनको ऐसे पता ही होगा सारा स्टोर वो सब नाम। तो ये सारे स्वेटर ना, ये जो मैं दिखा रही हूँ इसमें का एक रेड कलर का भी होगा, ये स्वेटर वॉलमार्ट से लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं स्वेटर वॉलमार्ट से लेती हूँ, जब कभी जाती आती हूँ ग्रॉसरी करने ना, पसंद आता है तो ले लेती हूँ, वॉलमार्ट से लेती हूँ। और ओल्ड नेवी से लेती हूँ, फॉर एवर करके एक है, फॉर एवर 21 करके है, वहाँ से लेती हूँ, मेसिस से भी ले लेती हूँ कभी कभी, और टीजे मैक्स, मार्सल, ये सारे शॉप से मतलब मैं लेती रहती हूँ। तो ओल्ड नेवी, फॉर एवर 21 जो करके है शॉप, मॉल वगैरह में आपको मतलब ये शॉप मिल जाएगा स्टोर, और मेसीज से, वॉलमार्ट से, टीजे मैक्स से, मार्सल से, ये सारे शॉप से मैं ये सारे स्वेटर्स लेती हूँ। कुछ कुछ स्वेटर्स मेरे इंडिया के भी हैं, ये सारे मतलब ये जो अभी मैंने दिखाया ना वो इंडिया का था। और ये लॉफ्ट से लिया है, इसका मतलब कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, कलर प्रिंट बहुत अच्छा होता है, एकदम सिंपल ही रहता है लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। और इसका ये इस साल ही शायद मैंने लिया था, आई थिंक हाँ इस साल के स्टार्टिंग के विंटर में ही मैंने लिया था। और इसी कलर का मैंने एक ब्लैक भी लिया है, अभी मुझे मिलेगा तो दिखाऊंगी।
और ये दोनों कलर एक ही है, बट वो थोड़ा मोटा उलन में है, ये थोड़ा पतला उलन में है। तो ये भी शायद मैंने वॉलमार्ट से लिया था, शायद वॉलमार्ट से। इतना एक एक स्वेटर इतना मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है कहाँ से लिया था। तो इन सारे स्टोर से, जितना मैंने नाम बताया ना, इन सारे स्टोर से मैं यहाँ पर मतलब जब भी जाती आती रहती हूँ, जब पसंद आता है ना तब ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेने जाती हूँ, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो ना तब फिर आपको जितने भी प्राइस में मिलेगा आप उतने भी प्राइस में लोगे, लेकिन चलते फिरते जब आपको कुछ चीज़ें जैसे रिजनेबल प्राइस भी लग रहा है, पसंद भी आ गया तो आप ले लो, तो वैसे मतलब आपका अच्छा शॉपिंग हो जाता है। ये भी शायद मैंने वॉलमार्ट से लिया था, ये शायद मैंने पिछले साल लिया था, शायद आपके साथ शेयर भी की हूँ वीडियो। और उसके बाद में ये मैं ओल्ड नेवी से ली थी, ये मैं काफ़ी पहले जब मैं US आई थी ना तभी, जो विंटर आया था तभी मैं ली थी, ये शायद मैं ओल्ड नेवी से ली थी, ओल्ड नेवी से ही ली थी। और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे विंटर इतना ज़्यादा पड़ता है ना, मतलब हल्का फुल्का विंटर तो अभी भी बारिश हो जाए तो आपको स्वेटर पहनने लायक हो ही जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा समर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाता भी है तो 30 तक जाता है, इससे ऊपर जाता नहीं है। और ये स्वेटर लंबा था, ऐसा स्वेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो एक लेके ट्राई करती हूँ। जो लंबे लंबे स्वेटर आते हैं वो सारे मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैंने सिर्फ उसमें का एक रखा है। और ये जो मैं अभी पर्पल कलर का, सॉरी आपको ब्लू कलर में दिखाया ना, उसी का मतलब दोनों साथ में ली थी, ये ब्लैक कलर था। और कुछ कुछ स्वेटर देखे गंदे भी हो गए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि साफ़ करूँ फिर 2-3 दिन फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मैं पैक करूँगी, तो जो भी मतलब है बस को ऐसे ही पैक कर दूँगी। ये दोनों सेम है, बस कलर चेंज है, वो ब्लू कलर में है और ये मतलब ब्लैक कलर में। वो एक साइज़ बड़ा है और ये एक साइज़ छोटा है। मुझे थोड़े ढीले ढाले स्वेटर भी पसंद आते हैं, और ये भी स्वेटर वैसे ही है, लेकिन आगे इसमें डिज़ाइन नहीं, बस लाइनिंग है, उन दोनों में डिज़ाइन है ऐसे करके। और ये कार्ड, हाँ ये मैंने लिया था थैंक्स गिविंग पे, शायद आपको दिखाया भी, हाई नेक का है। और ये मैंने लिया था JCPenney से, यहाँ पे JCPenney स्टोर है ना वहाँ से लिया था। और इसके साथ एक और ली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो मतलब रिटर्न करके कुछ और ले लेती हूँ, तो उसको मैं रिटर्न करके, स्टार्टिंग में जो वाइट कलर का मैं स्वेटर दिखाई ना वो इसी बार मैं ली थी, मतलब रिटर्न करके उसको, और ये ले ली थी। उसकी भी वीडियो आप पुरानी वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने दिखाया है कि एक ऑरेंज कलर का स्वेटर था, उसको मैंने रिटर्न करके फिर वाइट कलर का लिया था। और एक ये कार्डिगन है ब्लैक कलर का, नीचे क्रॉप टॉप टाइप दिया हुआ है, आप टॉप की तरह पहन लो फिर ऊपर से कार्डिगन है, बट मैं उसको ज़्यादातर कार्डिगन ही यूज़ करती हूँ, ऐसे ही नीचे का क्रॉप टॉप तो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ। और ये मेरी शादी का स्वेटर है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कहने को नहीं। तो फिर ये थोड़ा हल्का स्वेटर है और काफ़ी श्रग टाइप है, मतलब आप जैसे श्रग जैसा यूज़ करते हो ना वैसा यूज़ कर सकते हो। और ये कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस कलर का मेरे पास ड्रेस, स्वेटर, स्कार्फ सब कुछ है, ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और ये भी मेरी शादी का ही स्वेटर है, लेकिन इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना है वहाँ भी और यहाँ भी। और कुछ स्वेटर मेरे इंडिया में भी हैं कार्डिगन वगैरह, क्योंकि आने जाने लगो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पे छूट गया है, लेकिन अब कभी जाऊँगी तो फिर देखेंगे, ले आती हूँ। और ये मैंने कॉस्को से लिया था, इसी विंटर में लिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तबीयत जब बीच में ख़राब हुई थी ना तो इसको मैं पहन के सोती थी, और बहुत ज़्यादा वार्म भी है, जो मतलब पिंक कलर का पीछे रख दिया है मैंने, वो कॉस्को से लिया। यहाँ से जो वीडियो देख रहे होंगे हर कॉस्को में वो मिलता ही है। और एक ये स्वेटर, ये हल्के फुल्के स्वेटर जैसे आप टॉप टाइप पहन सकते हो, लेगिंग्स या पैंट डाल के नीचे पहन सकते हो। और ये एक स्वेटर मैंने पिछले या फिर पिछले टू पिछले साल लिया था, और ये इस साल तो मैंने डाला भी नहीं, क्योंकि इसमें से नीचे से ना टम्मी थोड़ी वो दिखती रहती है तो ठंडी ठंड लगती है, इसलिए इस स्वेटर को तो मैंने पहना भी नहीं है। कुछ स्वेटर इसमें एक दो मेरे हस्बैंड के भी हैं, अभी मुझे और भी उनके भी इकट्ठे करने ताकि मैं साथ में सारा चीज़ पैक कर सकूं। और एक ये मतलब ऐसे हुडी टाइप है, और इन सबको भी मैं रख देती हूँ, अभी नहीं पहन रही हूँ। कुछ मतलब हल्के जो मतलब स्वेट शर्ट टाइप रहते हैं ना वो मैं निकाल अभी नहीं पैक करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं पैक कर देती हूँ। और ये मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, इसमें का पैंट भी है, मतलब दोनों पेयर सेट था, लेकिन कहाँ है अभी पता नहीं, अभी मैं खोजूंगी तो साथ में ही रख दूंगी, ताकि मैं फिर पिछली बार खोलूँ तो मुझे एक साथ सब मिल जाए। और ये नीचे का जो लास्टिक है ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ इसको, और अभी मैं इसका पैंट ढूंढती हूँ कि कहाँ पर है ताकि साथ में रख दूँ। और एक ये है, ये फर टाइप मतलब है, ये भी बहुत ज़्यादा पहना नहीं है, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी फर जैसा है ना तो पहन लो तो बहुत मोटी लगने लगती है, इसलिए ज़्यादा पहना नहीं है इसको। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने जितने भी अभी आपको दिखाए ना सब कुछ फोल्ड करके रख दिया है,
और बस मुझे पैक ही करना रहेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे अभी और भी सारे कपड़े इनके हैं और कुछ मुझे अपने जो जैकेट होते हैं ना, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो में बने रहिएगा। जो ओपन आगे जैकेट होते हैं ना चेन वाले, वो सब भी मतलब मुझे लग रहा है कि एक दो निकाल के मैं रख देती हूँ। तो फिलहाल इतना करते करते मुझे बहुत टाइम हो गया था और फिर उसके बाद में और कपड़े मैं चेक करके बाहर निकाल के आई हूँ। अभी फोल्ड करना है वो सब भी, लगा पहले खाना, रोटी बनाना था, लगा पहले खाना खा लेते हैं फिर उसमें लगती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही सब्जी ली है, आया रोटी सेकी और फिर रोटी थोड़ी सी दही ले ली है। तो सब्जी रोटी दही वो खाना हो गया दोपहर का लंच। और उसके बाद में फिर सारे कपड़े लेके आई जो घर पे डेली यूज़ में मैं पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड का है, मेरा है, मोटे मोटे जो लोअर टाइप है, फ्लीज है, ये सारी चीज़ें मैं फोल्ड करके रख दी हूँ यहाँ पर। अब मुझे सिर्फ अपने जैकेट जो है ना वो रखने हैं और वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। तो जो ऐसे चेन वाले आगे चेन लगे होते हैं, वैसे जैकेट जो होते हैं ना, वो सब भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ रख देती हूँ, एक दो निकालती हूँ बाहर, क्योंकि इसमें फ़र है ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब विंटर वाले ये सब हैं, मोटे मोटे हैं, तो इसमें से मैं एक मतलब वो दोनों रख रही हूँ, ये भी रख रही हूँ, और इसमें से दो जो हल्के हल्के हैं ना वो मैं बाहर, ये वाला मैं अभी घर पे पहन रही हूँ तो ये निकाल लेती हूँ। इसके साथ मैंने एक और लिया था, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और ये भी हल्का ही है, लेकिन सब तो निकालूंगी नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कम ठंड है। तो ये सबको मैं, जो आगे चेन वाले हैं वो सबको मैं कुछ रख देती हूँ और ये एक दो निकाल लेती हूँ। तो अभी उस सबको भी फोल्ड करती हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि एक सूटकेस में आएगा, मुझे दो सूटकेस खाली करना पड़ेगा। मुझे एक ही खाली की थी रखने के लिए, लेकिन अभी चल रही हूँ दोनों खाली करती हूँ, ये सबको भी फोल्ड कर देती हूँ। करते करते एक एक जगह से सामान इकट्ठा करते करते ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गया कपड़ा। देखती हूँ सब उले नहीं है, मतलब अगर दबा दबा के डालूंगी तो शायद आ जाए मतलब ऐसे। और ये जो हाथ पे ऐसे एयर पोस्टर लिखा होता है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये मैं नहीं ली थी, मेरे हस्बैंड लिए थे, बट लेने के टाइम तो ले लिए थे, लेकिन फिर घर पे आने के बाद उनको लगा नहीं ये पीला पीला लग रहा है, मैं नहीं डालूंगा, तो मुझे लगा चलो मैं पहन लेती हूँ, मैं यूज़ कर डालती हूँ, क्योंकि फिर उसका रिटर्न टाइम निकल गया था, नहीं तो मैं उसको रिटर्न कर देती, मेरे पास काफ़ी था। लेकिन फिर चलो मुझे लगा कि वो कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने वो रख लिया था। यहाँ पे देखिए एक में तो नहीं आया, अभी कुछ कपड़े बाहर ही पड़े हैं तो अभी मैं इसको बंद करके फिर दूसरे में डालती हूँ, मतलब दूसरा अभी खाली नहीं की हूँ सूटकेस, अभी खाली करना पड़ेगा मुझे। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर ऐसे रेस्ट की क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी इधर उधर से कपड़े इकट्ठा करना, फोल्ड करना, सूटकेस खाली करना, उसको रखना। फिलहाल ये बहुत दिन से काम सोच रही थी मैं करूँ, फिलहाल आज मेरा बहुत बड़ा काम एक हो गया है। उसके बाद नीचे उतरी, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह किए, अभी मतलब बताया अभी भी मतलब देखिए हम लोगों ने जैकेट डाला है ना, अभी भी थोड़ी थोड़ी हवा जब होती है शाम में ना तो ठंड लगती है, हल्के जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये सब बहुत हैंडी होता है, तुरंत पहन लो तुरंत निकाल दो। जो स्वेटर होते हैं गले से पहनने वाला होता है ना, तो फिर उसको पहनने में दिक्कत होती है, और ये तुरंत पहन लो तुरंत निकाल दो। फिर उसके बाद वॉक करके आए, तो आज रात में डिनर में बना रही हूँ आम का चटनी होता है, कच्ची आम थी बट पक गई है अभी, और आलू का पराठा बना रही हूँ। तो आलू के पराठे के लिए मैंने आलू बॉयल करके रख दिया था, तो यहाँ पे तड़के में मैं थोड़ा सा जीरा ली हूँ और थोड़ा सा अजवाइन ली हूँ, थोड़ा सा मंगरैल ली हूँ। इन सब का तड़का देने के बाद में थोड़ा सा प्याज मिर्ची डाल के इसको थोड़ी देर भूनूंगी, और ये थोड़ा सा हो जाए फिर उसके बाद आलू मैंने बॉयल करके इसको छील के मैश करके रख लिया था, तो इसको मैं फिर इसमें डाल दूंगी। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा फिर उसके बाद नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि आम की चटनी बहुत खट्टी है, तो फिर हल्का सा अमचूर पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी। और ये हो गया आलू का मसाला, और जब तक ये ठंडा होगा ना, अभी भून के रख लेती हूँ, थोड़ा सा इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता डाल के फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि पराठे में ठंडा हो जाएगा तभी मैं पराठा बना पाऊंगी। तब तक मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ। तो चटनी में आम, मैं कच्चा आम लेके आई थी बट एक दो दिन नहीं बनाई तो वो थोड़ा पक गया है, बट मीठा नहीं आ रहा, बहुत ही खट्टा है आम ये, तो अच्छा बनेगा। और पुदीना होता तो अच्छा बनता, पर फिलहाल मेरे पास पुदीना नहीं था, पुदीने का पत्ता, तो मुझे लगा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। यहाँ पे मिर्ची, जीरा और थोड़ा सा अदरक और धनिया पत्ता और आम, कच्चा आम जो था उसको पीसेस में कट करके यहाँ पे पीस ली हूँ, पीस के एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा नमक मतलब मिला दूँगी,
आपको लगे तो चाट मसाला मिलाएंगे तो वो भी अच्छा आएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी नमक मिला रही हूँ क्योंकि चाट मसाला थोड़ा खट्टा होता है और आम भी खट्टा है तो उतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चटनी बन गई है, बस मुझे पराठे सेकने हैं। अब मैं जो किस कढ़ाई में मतलब आलू मसाला बनाई थी ना उसको बाहर निकाल लूँगी तो और उसी में मतलब पराठे बना दूँगी। और यहाँ पर मैं आटा पहले नहीं गूँथी थी ना तो फिर थोड़ा सा गूँथने में मेहनत लगती है क्योंकि तुरंत थोड़ी देर मतलब पहले गूँथ लो छोड़ दो तो वो सिज जाता है, लेकिन तुरंत मतलब बनाना है ना तो मैं अच्छे से नीचे मतलब बैठ के अच्छे से गूँथी और इस मसाले को निकाल ली हूँ। मुझे लगा दो तीन बर्तन क्यों गंदा करूँ, इसी कढ़ाई में ही सेक लेती हूँ कम फ्लेम करके। फिलहाल ये कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जल गई थी, पहली बार ऐसे सेका, मुझे लगा चलो मसाले लगे ही हैं और नीचे तेल वेल भी लगा है तो इसी में पराठे सेक लेती हूँ। बस यहाँ पे एक एक करके पराठे सेक लूँगी। और आजकल हम लोग मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, हर चीज़ में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। अब खाते खाते थोड़ा आदत हो गई, नहीं तो पराठे वगैरह बनाती थी ना तो फिर ऐसे ऑयल जो जैसे कि मूंगफली का तेल वगैरह जो होता है ना वो यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो देसी घी में भी मतलब घस सकते हैं पराठे, लेकिन मैं नहीं घसती हूँ क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मतलब देसी घी का पसंद नहीं आता है, इनको महक आती है उसकी देसी घी की। तो सरसों का तेल से ही मतलब पराठे वगैरह बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब तो खाते खाते आदत भी हो गई है और कोई भी ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ, या तो देसी घी यूज़ करती हूँ या तो मतलब ये मस्टर्ड ऑयल। इसके अलावा कोई भी ऑयल आजकल हम लोग खरीदते ही नहीं हैं तो यूज़ नहीं करते हैं। और बस ये आज रात का हम लोग का डिनर हो गया, इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यही कर रही हूँ। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।